बढ़ते आगे, रुड़की में गंग नहर कोतवाली में ससुर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने दामाद पर जानलेवा हमला किया। आरोप है कि ससुर बेटी को तलाक देने और मोटी रकम की मांग कर फैसला करने का दबाव बना रहा था, जिसके बाद इनकार करने पर युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। मौके पर भीड़ जमा हो गई। ससुर ने अपने साथियों के साथ हालांकि इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो युवक पर कहीं ना कहीं तलाक का दबाव बना रहा था ससुर। आपको बता दें, ये रिश्तों को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। एक ऐसा रिश्ता जो, आपको बता दें, ससुर दामाद का रिश्ता है जो कहीं ना कहीं कलंकित होता नजर आ रहा है। ससुर ने लालच के चलते दामाद पर दबाव बनाया और अपनी बेटी को विवश किया कि वो पैसे लेकर आए और तलाक ले ले। एक मोटी रकम वसूलने की साजिश यहां पर नजर आई, जिसके चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। रुड़की की ये तस्वीर है जो कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार करती हुई नजर आ रही है। ससुर और दामाद का रिश्ता है, दामाद पर जानलेवा हमला कराया गया। तो लालच के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो ससुर ने एक मोटी रकम की मांग की और वो मांग पूरी ना होने पर साजिशन इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया।